फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, उनकी जिंदगी में आपका क्या महत्व है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। बाकी आपको क्लैरिटी के साथ मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो है आपके रिश्ते के लिए, हित के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कितने मेहरबान है। ईश्वर का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए और इस रीडिंग को देखिए। जय माता दी। देखते हैं आज कार्ड कैसे निकलते हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? सेवन ऑफ पेंटिकल। द हैरोफेंट मेजर अरकाना का 5 नंबर का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स। द फूल। फोर नंबर का कार्ड यानी फोर ऑफ सोर्स। द हर्मिट। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। द एम्परर। पेज ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ ओ सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है। अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ नंबर में नंबर टू इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर इलेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर्टीन इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट की गाइस बात की जाए तो यहाँ रिपीटेड नंबर में फोर नंबर मोस्ट है क्योंकि वो रिपीट हुआ हुआ है। नंबर फाइव है जो रिपीटेड नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर फोर और फाइव जो है रिपीटेड नंबर है। हो सकता है इस दिन नंबर या डेट, इस नंबर डेट का मंथ में आपके पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिले हों। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का बर्थडे हो, और ये भी हो सकता है आप कहीं लॉन्ग डेट पे गए हो। तो चलिए करते हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है कि उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि ये इंसान हो सकता है आपसे एज में छोटा हो,
अगर इसकी नेचर की बात करोगे आप तो इसका नेचर कुछ ऐसा है कि रोमांटिक रोमांटिक है, फैशनेबल इंसान है, अपने आप में अपनी ज़िंदगी में जीने वाला इंसान है। ये किसी भी चीज़ को सीरियसली ना ले वैसा इंसान है। इसने पास्ट में भी अगर इन कार्ड्स को देखूं तो आपके रिश्ते में, आपके दिल और दिमाग में काफ़ी उलझने चल रही हैं, और वो उलझनों की वजह है इस रिश्ते में जो दखल अंदाजियाँ, इस रिश्ते में जो उनकी फैमिली का इंटरफेयर है, उस वजह से ये इंसान और आपके रिश्ते में दरार आई है, और आप लोगों का नो कांटेक्ट या ब्रेकअप चल रहा है। ये फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये है, ब्रेकअप दिखा रहा है। ये पर्सन जब सीरियस नहीं थे तो चीज़ें खराब हो गई, जब संभालने का टाइम आया तो इनसे ये दो चीज़ों में उलझ के रह गए। इनके मन में कोई ऐसी खराब चीज़ नहीं थी, लेकिन जब दो चीज़ों में उलझे तो वहाँ ब्रेकअप आ गया, और ये दो थर्ड पार्टी थी जीत गई और आप बैठे ही रह गए। इस पर्सन की जो एनर्जी है इस टाइम, फीलिंग है, ये इंसान इस टाइम काफ़ी परेशान है। अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, इसके बारे में सोचते रहते हो, आपने होप नहीं खोई, आपने हर तरह का इनको हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहे, तो आपका दिल बहुत दुखता है क्योंकि काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हो। मुझे लगता है ये कार्ड देख के कि उन्होंने फ़ोन कॉल मैसेज करना भी आपको ज़रूरी नहीं समझा। आपने तो ऐसा है कि इस रिश्ते को ही सब कुछ दे दिया, अपना सुकून, अपना चैन। तो गाइस, आपने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ दिया है, दिल दिमाग में उलझने चल रही हैं। ये पर्सन भी आपसे अलग होकर खुश नहीं है। हर्मिट का कार्ड बताता है कि ये काफ़ी अपने आप को लो फील करते हैं। ये अब आपकी महत्व समझ के, अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जब इन्होंने देखा है कि अब ये अकेलापन कैसे झेल रहे हैं। इस इंसान को अब समझ आ रहा है कि आप क्या थे, और इनकी आपकी वजह से अब इनकी भी क्या हालत है, कि दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता इनको अब समझ आ रहा है। ये कंफ्यूज थे उस टाइम, दो चीज़ों में से एक चीज़ चुननी थी, जहाँ सख्ती हुई, जहाँ फैमिली ने अपना रंग दिखाया, तो इन्होंने उनको चुन लिया, आपको अलग कर दिया। इनकी जो और लोग इनके रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में रिश्ता खराब करते हैं, वो जो हैं ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप एक हो, लेकिन इनके भी दिल दिमाग में पूरी उलझने चल रही है, क्योंकि हमें हर्मिट के साथ फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। ये रात को जब भी लेटते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनके दिल दिमाग में कहीं भी सुकून नहीं है, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से ये कुछ कह नहीं पाते। पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, मन ही मन में अकेले पुरानी चीज़ें याद करते हैं, और अभी तक ये आपके साथ बिताए हुए टाइम भूल नहीं पाए। इनको पता है कि आपके साथ ज़िंदगी का मज़ा ही हो रहा है। अब ये समझ पाए हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिस रिश्ते को इन्होंने सीरियसली लिया, क्योंकि आपके बगैर ये अकेले और अधूरे हैं। लेकिन समाज की चीज़ों का भी इनको बहुत मानना पड़ता है। ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो सामाजिक, वो समाज के साथ चली जाए। इसीलिए ये इंसान जो है पहले भी रिश्ते में कमज़ोर रहा, ये अपने रिश्ते को ग्रोथ में लाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, दोबारा से शुरुआत करना चाहता है, रिश्ते की ग्रोथ करने का सोच रहा है, और चीज़ों को मैरिज तक ले जाने की सोच रहा है, लेकिन किसके साथ? समाज के साथ। समाज के साथ ये चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। तो इस टाइम इस इंसान की बहुत बुरी हालत है, इनको अपनी आपकी वैल्यू समझ आ रही है। इनकी ज़िंदगी में
पास्ट में इन्होंने सीरियस नहीं लिया, अब पूरा महत्व है, क्योंकि लेकिन फैमिली इनकी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट लगती है, जिनको इन्होंने धीरे धीरे अपने बैलेंस में लाना है और समाज की चीज़ों के साथ ही इन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। रिश्ते की ग्रोथ भी करने की सोच रहे हैं, चीज़ें आगे तक ले जाने की सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बहुत नेगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई है। क्या ये एक्शन लेंगे? तो गाइस एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है कि आपके रिश्ते की शुरुआत होगी बड़े अच्छे तरीके से डिवाइन के साथ। ये एक्शन तो लेंगे लेकिन कब वो देखते हैं। सेवन वीक से लेके 9 मंथ तक आपके रिश्ते की शुरुआत नज़र आ रही है। गाइस पहले ये ग्रोथ करेंगे, ये ग्रोथ का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको वेट है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे अकेलापन झेला नहीं जा रहा, इनको आपकी कदर और वैल्यू का अब इन कदर और वैल्यू आपकी समझ आ रही है। बहुत पैशनेट है ये चाहते हैं कि जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको सही करें, जो भी इन्होंने आपके साथ आर्गुमेंट करे हैं या कुछ भी करा है, भले ही इनको सॉरी भी बोलना पड़े ये उस पर बोलेंगे, लेकिन री यूनियन करने की पूरी तरह से सोच रहे हैं और अपने रिश्ते की ग्रोथ करना चाहते हैं। एक्शन लेने के बाद ये कार्ड जो है आपके ये बता रहे हैं कि 7 वीक से लेके कुछ लोगों का 7 वीक, कुछ का 9 मंथ के अंदर अंदर, 8-9 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो चीज़ें हैं स्मूथली हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि एनर्जी दोनों की है, आप भी बहुत लो हो, आपको क्या करना होगा। देखिए गाइस यहाँ भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था और यहाँ भी 2 कार्ड आए हैं, खाली वो ही नहीं कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज हो, आपके मन में भी ये है कि ये इंसान अगर दोबारा फ़ोन कॉल मैसेज करेगा, कभी आपके मन में आता है कि इसके बात नहीं करनी, और कभी आपका मन में आता है करनी है, कभी आप सोचते हो इसको छोड़ दो, इसको भूल दो, फिर आप आगे चल पड़ते हो। तो सबसे पहले आप अपने अंदर से कन्फ्यूज़न निकालिए और जब कभी पॉजिटिव बनिए, अपने अंदर ये नेगेटिविटी निकालिए, मन में जो मैनिपुलेशन चल रही है उसको निकालिए, इसके रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए ये करना होगा। ये कार्ड मैं और निकालती हूँ, ये देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया आपकी एडवाइस के लिए कि आपको मैनिपुलेशन बिल्कुल छोड़नी होगी। 1 और 2 दोनों आ गए, मैनिपुलेशन दिमाग में नहीं रखनी और आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। जैसे ही आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आपकी चीज़ें जो है सारी स्मूथली होनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ में आनी शुरू हो जाएगी, सही आनी शुरू हो जाएगी। और मेन ये पर्पल है कि आपने इस पर्पस के हिसाब से पॉजिटिव बनना है, और पॉजिटिव बनने के लिए आपको इस स्थिति से निकलने के लिए क्या चाहिए, मेडिटेशन। जैसे ही मेडिटेशन शुरू करोगे आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे और एक मैनिफेस्ट, मेडिटेशन और मैनिफेस्ट दोनों आपके इस रिश्ते को ग्रोथ करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। तो उनकी लाइफ में आपकी एक वक्त था कि जब पास्ट में वो रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे, इम्पोर्टेंट तब भी थी, लेकिन अब रिश्ते के लिए सीरियस है, अब इम्पोर्टेंट बढ़ गई है, आपकी तनख्वाही ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, तो बहुत मिस करते हैं आपको। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी
जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।